Yo, what's up guys? आप लोगों को फिर से स्वागत है कि ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो फाइनली आरसी ट्यूटोरियल ने अपने लोगो चेंज ही कर दिया भाई। क्या बात है, क्योंकि एक दिन से बहुत लोगों देख रहा था, पर वो वाला लोगो अच्छा था, पर न्यू लोगो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ भाई। न्यू लोगो भाई मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर पिछले वाला लोगो बहुत ही सही था। और मैंने सोचा भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई चल रहा है, पर हम लोग भाई छोटा मैच खेलेंगे। ओडीआई खेलेंगे तो भाई रिटर्न 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए देखना। पर हाँ, हम लोग सीरीज खेल सकते हैं, वो बाद में खेलेंगे टीआरआई सीरीज। पर पहले आईपीएल ऑप्शन होगा, उसके बाद टीआरआई सीरीज होगा। पर फिलहाल हम लोग अपडेट देखेंगे, मतलब लोगों का अपडेट देखेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा मैच के अंदर। चलो ये देखो, फाइनली हम लोग यहाँ पे लोगो मिल चुकी है रियल क्रिकेट 22। पर यहाँ पे ये प्लेयर कौन है मुझे बताओ आप लोग कमेंट के अंदर, मतलब ये लोगो के अंदर जो प्लेयर है ये कौन है भाई, मुझे तो पहचान नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ, अपडेट तो नहीं आई है। स्वागत है आप लोगों को अपने टॉस के अंदर। पर ये स्टेडियम कौन सा है? अच्छा, मुंबई का स्टेडियम है, क्योंकि अभी तक मैंने सब स्टेडियम अनलॉक नहीं किया। ओहो, आज हम लोग टेल्स देंगे, देखते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया की येलो जर्सी सबसे अच्छा लगता है, वो ब्लैक वाला जर्सी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टॉस जीते हम लोग तो बैटिंग करेंगे ऑब्वियसली। सब लोग चाहते हैं हम लोग पहले बैटिंग ही करें, पर हाँ हम लोग तो भाई डिफेंडिंग किंग के सब, मतलब डिफेंडिंग किंग सब माने जाते हैं। बैटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, पर बॉलिंग मुझसे भी अच्छा लगता है। पर अगर आज टीम देखो तो भाई इंडिया की, पर आज थोड़ा बहुत चेंजेस किया, पर अच्छा चेंजेस किया, मानना पड़ेगा, इज्जत दो। अभी हमारे गिल्ली डंडा नहीं है, अभी पेट्रो कमिंस बॉलिंग करेंगे। फास्ट बॉलर है हमारे गिल्ली डंडा, मतलब सुमन गिल गिल्ली डंडा। हम लोगों ने क्या नाम चूज किया भाई, गिल्ली डंडा। कोई दिक्कत नहीं, हमारा सुमन गिल देखते आज कितना इंप्रेस कर पाती है हम लोगों को, नॉट सारा भाई, हम लोग को इंप्रेस कर पाती है, क्योंकि अच्छा खेलेगा तो आईपीएल का अंदर जरूर लूंगी। वार गेम था, मैं समझ ही नहीं पाया इस बॉल को अच्छी फील में। अरे तब से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम लोग डॉट ही खाते जा रहे हैं यहाँ पे, मार क्यों नहीं पा रहे हम लोग। ये देखो इस बॉल को डॉट भी खा ले। अरे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो चेंज होगी भाई, ये ओवर लगता है मिडिल चला जाएगा, मुझे डर लग रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया आज भाई क्या खेल रहे, नहीं मिडिल नहीं जाएगा फाइनली, ये अच्छी बात है भाई, मिडिल तो नहीं गया। हम लोगों ने लास्ट बॉल के अंदर 4 रन मार दिए, बट बहुत बाउंसर बॉल था यहाँ पे। बॉल यही तो चाहिए थी हम लोग को, यही तो चाहिए था नोबल, उसके बाद क्या बॉलिंग करें भाई। भाई फिर से यहाँ पे ऊंचा बॉल डाल रहे, फिर से नो बॉल हो गया यहाँ पे, और शॉट सिक्स भाई, सिक्स तो हो गई, सिक्स हो गई, यस भाई। रन नहीं आ रहा था, अब हो गई फिर से नो बॉल भाई, रन ऐसे नहीं आ रहा था 5 बॉल के अंदर, अब तो हम लोग छप्पड़ फाड़ दी। 10 रन तो हो गई, पर फिर से नो बॉल। देखते इस बॉल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री तो मांगता है आप उनके दिल में। आहिस्ता भाई, नो बॉल है तो आराम से उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल उड़ा दो भाई उड़ा दो। पर ये बॉल उड़ा नहीं है, पर कोई बात नहीं, 4 मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4 मिला यहाँ हम लोग को, मतलब 14 रन आ चुके हैं पहले ओवर के अंदर। 5 बॉल के अंदर 9 रन, लास्ट बॉल के अंदर 14 रन। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, पूरा देखा हम लोगों ने, पूरा देखा भाई हम लोगों ने, पूरा देखा भाई। अरे टाइमिंग गलत होगी, ये मेरा टाइमिंग लिटरली गलत होगी, मतलब अच्छा खासा गेंद था भाई, एकदम पालवे गेंद था, मतलब लास्ट टाइम मैंने स्विच दबाया भाई, मतलब ये मेरा गलती है भाई। ट्रिप 2100 अच्छा खेल रहा था, इस पहले बॉल के अंदर 6 मारा था ले भाई, 200 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, एक बॉल के अंदर 6 था, 3 बॉल के अंदर 6 करके वापस यहाँ पे, टाइमिंग गलत इशू हो गई। एक विकेट तो गिर चुकी है और हम लोग को विकेट नहीं गिरा सकते, पर ये नो बॉल है। और फिर वंस मोर हम लोग को फिट, आज भाई फिट का भी रन आ रहा है हम लोग को। हाँ 4 रन भाई, सिर्फ फ्री टेक फ्री हिट के अंदर ही हम लोग आजकल रन बटोर पा रहे हैं भाई, मतलब नॉर्मल तो सिर्फ रन नहीं आ रहा, लगता है नेक्स्ट ओवर के अंदर भी फ्री हिट ही हम लोग को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं चल। आज हमारा रन रेट बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई, 12 का चल रहा है रन रेट हम लोग का। शॉट भाई, ये शॉट कनेक्शन बहुत ही गंदा, यस इट्स आउट, इट्स अ विकेट। और क्या क्या बोल रहा था मुझे पता नहीं, पर बहुत गलत किया भाई, पर ये शॉट का हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा प्रैक्टिस बुक के अंदर, इसको शॉट हटा के न्यू शॉट परचेस करना पड़ेगा भाई। इतना इंग्लिश में मत कमेंट्री कर क्यों भाई, लिटरली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या कमेंट्री कर रहे हैं, पर हम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। रुको रुको, क्या बोल रहे हैं आप? देखो मैं जब सुनने जा रहा हूँ तब कमेंट्री बंद कर रहे हैं भाई, थोड़ा कमेंट्री ज्यादा क्या करो भाई, गला सुन के देखा पानी पियो। लास्ट बॉल है इस ओवर के अंदर, पर और भी रन करना चाहिए था, एक सिक्स तो मारते भाई इस ओवर के अंदर, सिर्फ 4 रन आई है, मतलब बाउंड्री से 4 रन नहीं, 2 रन करके भाई। और भी मुझे 4 रन मांगता था पर आया नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसे कम चलाना पड़ेगा। सबसे खतरनाक जड़ी बूटी आ चुकी है, सॉरी मतलब जड़ी बूटी बोल रहा है, मतलब जोड़ी आ चुकी है, एरन फिंच एंड डेविड द वार्नर, पर इसको अगर किसी ने देख लिया तो लिटरली हार्ट आ जाएगा। तो सबसे डर लगता है मुझे भाई लिटरली डेविड द वार्नर को, एरन फिंच तो भाई आईपीएल के टाइम अच्छा नहीं खेलता, मतलब अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा खेलते हैं, ये के बेदवा बात हुई यहाँ पे, कोई बात नहीं, मोहम्मद सिराज खुला है, ये भी कुछ कम नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा था भाई यॉर्कर बॉल डालेंगे तो कुछ अच्छा खासा इंप्रेशन मिलेगा, आप लोग लाइक ठोकोगे, पर कैसे ठोकोगे, इतना अच्छा बोलिंग किया, फ्री पी बॉल को उड़ा दिया हम पे, चेक 30 बॉल के अंदर कैसे चेस कर डिफेंड कर पाएंगे। 9 रन आ गई भाई हम लोगों को पहले ओवर के अंदर, 14 आ गई इन लोगों ने, 9 ये क्या शॉट था,
ये होता है भाई, मतलब लेजेंडरी प्लेयर भाई, लेजेंडरी बैट्समैन, मतलब बॉल को देखा भी नहीं भाई, देखा भी नहीं, आराम से खेल दिया पे। कुछ खास तो मुझे रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है क्योंकि हमारे बॉलिंग का 21 बॉल में 37। ओ भाई स्टीव बुटल के मारने का डेविड वार्नर, क्या स्वाद ऋषभ पंत स्टाइल के खेल लेगा यहाँ पे। वो भी डेविड द वार्नर का ऐसे भी चाहिए हम लोग को, अभी भी 37 रन बाकी है, इतना आसान नहीं है करना। पर हेलमेट खोल दिया तो कोई दिक्कत, हेलमेट पर स्टैंड ही था भाई, बाउंड्री कैच था, अगर बाउंड्री कैच होता तो एटलीस्ट थंबल बना लेता। तो एक प्लेयर गया तो और एक प्लेयर आके मैं मारना चालू कर दिया, एरन फिंच के सामने जितना मुश्किल है भाई, लिटरली वो भी हार्ड मोड के एक्सपर्ट मोड किया था, हम लोगों को ट्राई करते रहना है भाई। ऐसे मत करो भाई, लिटरली हम तो भाई लिटरली मर जाएंगे भाई, हम हार जाएंगे भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने। अभी भी 9 बॉल बाकी है, कितना 8 या 10 हम लोग ये मैच हार गए, मतलब हम लोग पहला छोटा मैच हार गए भाई, इसके बाद हम लोग चारा नहीं होगा। जितना ऑस्ट्रेलिया का हम लोग जरूर हराएंगे, बड़ा मैच खेलना, हम लोग ओडीआई तो नहीं खेल सकता, फिलहाल हम लोग T20 जरूर खेल सकते हैं। ओडीआई खेलेंगे तो लिटरली 2-3 घंटे का मैच हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। आज हमारा पहला राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, सेकंड राउंड के अंदर बड़ा होगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक आएगा वो वाला वीडियो, तब हम लोग दिखाएंगे भाई तब कैसे खेलते हैं। फाइनली इसके अंदर न्यू लोगो आई है, पर गेम के अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुआ, चिंता मत करो, सेम टू सेम है। पर मैंने सुना भाई अभी तक बहुत लोग इस गेम को खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे यहाँ पे, मतलब एक साल नहीं, बहुत दिन हो चुके गेम को लॉन्च करते हैं। पर फिलहाल देखो आप लोग, मतलब इस गेम को तो अभी तक डाउनलोड करने का मौका तो बहुत लोगों के पास नहीं है क्योंकि 1 GB के करीब ये गेम है भाई, 1 GB एक्चुअली है भाई, मेरे फोन के अंदर 1 GB हो चुकी है इस गेम को। इटली खेलने के लिए एटलीस्ट 4 GB रैम वाला फोन तो चाहिए, नहीं तो नहीं खेल पाओगे। और न्यू लोगो बहुत लोगों के पास आई नहीं है, पर बहुत लोगों के पास आ चुकी है, चिंता मत करो, जो लोग खेल रहे हो भाई आप लोगों के पास न्यू लोगो आ जाएगा। अगर वीडियो आज अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं है तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।